नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कहे जाते हैं, और खेसारी लाल यादव अक्सर जो है अपने कामों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, अपने गानों को लेकर, अपनी फिल्मों को लेकर, अपने स्टेज प्रोग्राम को लेकर, या फिर अलग अलग लोगों से मिलने के बाद जिनकी तस्वीरें वायरल होती है, तो वो हैं बस खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव अक्सर इस चीज को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव का एक और सुर्खियों बटरने की वजह है, और वजह वह है उनका सामाजिक कार्य, सोशल वर्क के बारे में। जिस तरीके से कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो है लोगों को राशन बांटना, और जिस तरीके से कई सारी आप तस्वीरें देखे होंगे कि छपरा में जब एक बार आग लग गया क्या, तो लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे थे, और उनके फाउंडेशंस के माध्यम से ऐसे हजारों लाखों शोषित पीड़ित लोगों की जो है सुरक्षा के लिए, यानी कि खान पान रहन सहन के लिए खेसारी लाल यादव जो हैं उनकी मदद करते रहते हैं, और उनकी सेवा में उनकी टीम हमेशा तत्पर रहती है। बात करें तो जब भी वो अपने गांव जाते हैं तो ऐसे सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, और इस तरीके से जब इस बार वो अपने गांव गए थे तो विकास सिंह बीरप्पन के साथ मिलकर ग्रामीणों को ट्रैक्टर दिया था, जिसमें कि आप जो है तेल डलवाकर फ्री में अपने खेत की जुताई करवा सकते हैं और अपना अन्न का वहां पर उत्पादन कर सकते हैं, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, और उनको लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है कि खेसारी लाल यादव काफी बेहतर अच्छे दिल के इंसान हैं। लेकिन बात करें तो बिहार में एक काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है, और वो चर्चा हो रहा है अमरजीत कुमार पासवान को लेकर। जी हाँ, अमरजीत कुमार पासवान बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव से आते हैं, और उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बनाया है, यानी कि हेलीकॉप्टर का अभी डब्बा बनाया है, उसमें जो भी इंटरनली पार्ट होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होता है, जो भी एक्टिविटीज होती है, उस पर वो काम कर रहे हैं, और उनको काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है ताकि वो अपने हेलीकॉप्टर में योगदान देकर उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने में सक्षम हो पाए, और कई लोगों के माध्यम से कई सारी चीजें, तरीके की चीजें है वो प्रोवाइड की जा रही है, और उनपे लगातार उस गांव पे मीडिया कर्मी पहुंच रहे हैं, और मीडिया कर्मी के माध्यम से इस हेलीकॉप्टर को दिखाया जा रहा है। और अमरजीत पासवान भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ेगा, और 100% उड़ेगा, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिना ईंधन का उड़ेगा। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि समय के अनुसार क्या अमरजीत पासवान इस हेलीकॉप्टर को उड़ा पाते हैं, क्योंकि वो अनएडुकेटेड है, ना कोई उनका टेक्निकल फील्ड है, ना कोई उनका इंजीनियरिंग फील्ड है, बट स्टिल ही इज वर्किंग वन हेलीकॉप्टर, के हेलीकॉप्टर को मैं उड़ा दूंगा, जिसको लेकर लोग जो है खेसारी लाल यादव से अपील करने लगे हैं कि खेसारी भैया, आप जिस तरीके से गरीब शोषित मजदूरों का मदद करते हैं, तो आप जो है इस हेलीकॉप्टर वाला का भी मदद कीजिए, अमरजीत पासवान का भी मदद करें, ताकि बिहार में एक बड़ा नाम कमाएं, और उसमें भी आपका एक बड़ा नाम जाए कि खेसारी लाल यादव ने इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। किस तरीके से खेसारी लाल यादव को लेकर अमरजीत पासवान को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, कुछ मैंने कमेंट्स लिए हैं, देखिए इस कमेंट्स में। चलिए, तो एक वीडियो बनाया था कि गोपालगंज में जो आदमी हेलीकॉप्टर बनाया है उसको खेसारी लाल यादव को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जिसके बाद से तमाम लोगों का कमेंट्स जो है वो आपके सामने आया हुआ है, मैं उनकी कमेंट्स पढ़ के बताता हूँ। लिखते हैं, माँ मेरी जान है, एक यूज़र लिखते हैं कि खेसारी भैया आपको अमरजीत पासवान को सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि ये चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव जी जो हैं वो अमरजीत पासवान को समर्थन दें। वहीं पटना NIT कहते हैं कि खेसारी जी को अमरजीत जी की मदद ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि जो हेलीकॉप्टर बनाए हैं उनको पटना NYT कहते हैं कि खेसारी जी को अमरजीत पासवान की मदद करनी चाहिए। वहीं बात करें तो अजय सा लिखते हैं कि खेसारी लाल यादव जी हेलीकॉप्टर वाले को मदद करें, यानी कि वो चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर वाले का मदद किया जाए। वहीं राकेश पटेल लिखते हैं कि खेसारी लाल जी मदद करिए, मैं बिहार से हूँ, गोपालगंज जिला से, हेलीकॉप्टर धर्मेंद्र भाई और जो उनको साथी हैं बना रहे हैं हेलीकॉप्टर, उसको मदद करना चाहिए आपको। यानी कि राकेश पटेल जी का भी कहना है कि खेसारी लाल यादव जी को जो है हेलीकॉप्टर बनाने वाले की मदद करनी चाहिए। वहीं बात करें तो राजकुमार खुशवाहा लिखते हैं कि हाँ जी, मदद करनी चाहिए खेसारी लाल जी को, यानी कि इनका भी कहना है कि मदद जरूर जो है वो खेसारी लाल यादव को करनी चाहिए हेलीकॉप्टर बनाने वालों को। वहीं बात करें तो रंगीला रविंदर ऑफिशियल चौक कुशीनगर लिखते हैं कि हाँ, खेसारी भैया को बात करनी चाहिए, यानी कि ये भी चाहते हैं कि खेसारी लाल भाई यादव को जो है वो अमरजीत पासवान से बात करनी चाहिए। अगले यूजर्स की बात करें तो लिखते हैं गणेश कुमार, लिखते हैं कि खेसारी जी को
मदद करनी चाहिए, यानी कि ये भी चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव जी है उनकी जो मदद करें। वहीं बात करें तो मनोज कुमार नाम के यूजर्स लिखते हैं कि खेसारी लाल की मदद करनी चाहिए, यानी कि लिखना चाह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी को हेलीकॉप्टर वालों को मदद करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने लिख दिया है कि खेसारी की मदद करनी चाहिए। खैर जो भी हो, इनका इंटेंशन आप सब समझ गए होंगे। वहीं अगले यूजर्स की बात करें तो राजा बाबू लिखते हैं कि खेसारी लाल जी अमरजीत को हेल्प कीजिए, यानी कि वो भी चाहते हैं कि अमरजीत पासवान की मदद की जाए। वहीं बात करें रोशन कुमार लिखते हैं कि दे देंगे खेसारी भैया, यानी कि ये पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है कि खेसारी लाल यादव जी जिस तरीके से गरीब दबे लोगों का समर्थन करते हैं तो इस अमरजीत पासवान को भी समर्थन करेंगे और उसको पैसा दे देंगे। वहीं बात करें तो अगले यूजर से बबलू यादव एंड शिवम लिखते हैं कि खेसारी लाल मदद कीजिए अमरजीत पासवान की, यानी कि इनका भी इंटेंशन यही है कि मदद जो है अमरजीत पासवान की करनी चाहिए। वहीं एमडी रिजवान आलम की बात करें तो खेसारी लाल यादव को अमरजीत जी का मदद करना चाहिए, यानी कि ये भी कह रहे हैं कि इनकी जो है मदद करनी चाहिए। वहीं बात करें तो अगले यूजर्स हैं जो धनंजय कुमार लिखते हैं कि बिल्कुल सर खेसारी भैया को मदद करना चाहिए, यानी कि ये भी चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव का मदद करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि खेसारी लाल भैया जो हैं वो अमरजीत पासवान की मदद ज़रूर करें। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।